हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब कोफ्ते, जो कि बहुत ही इजी एंड टेस्टी बनने वाले हैं। तो इतने शानदार कोफ्ते बनाने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज की लौकी ले ली है और मैंने इसे छील के धुल लिया है। अब हम इसे यहाँ पे काट लेते हैं। अब मैं इसे कद्दूकस करने जा रही हूँ। जितना पतला कद्दूकस होगा ये उतना ही ज्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैं इसे अच्छे से कद्दूकस कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे जितनी ज्यादा आप बारीक रखेंगे उतना ही ज्यादा हमारा कोफ्ता अच्छा बनेगा। अब मैं यहाँ पे लौकी को पूरी तरह निचोड़ के इसका पानी निकाल दूंगी। हम इसको यहाँ पे इस तरह दबा दबा के इसको अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे और इसको अलग बाउल में रखते जाएंगे। इसी तरीके से दबा दबा के मैं पूरी लौकी का जो हमने कद्दूकस कराया है पानी निकाल के इसको अलग बर्तन में रख रही हूँ। अब हम इसको दोबारा से एक बार निचोड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि लौकी में पानी की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए हम इसे दोबारा से निचोड़ रहे हैं। ये देखिए मैं किस तरह इसको दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल रही हूँ और इसको एक अलग बर्तन में करती जा रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून मसाला, बारीक कटी हुई एक प्याज, बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा और धनिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 100 ग्राम बेसन। यहाँ मैंने इसमें बेसन मिला दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब हम इन सारी चीजों को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। अब हम इस सारी चीजों को एक दूसरे में मिक्स करके एक डो बना लेंगे और हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। और हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके मैं इसका एक डो बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसका एक डो बना के अब तैयार कर लिया है। आपको भी इसी तरह इसका एक ऐसा डो बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए, अब मैंने अपने डो का एक पार्ट लेके अपने हाथों में जरा सा तेल को लगा के इसकी ऐसी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। इस तरीके से मुझे सारी बॉल्स जो है वो रेडी कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने किस तरीके से इतनी सारी बॉल बना के तैयार कर ली है। आपको भी इसी तरीके से ऐसे गोल गोल बॉल्स बना बना के तैयार कर लेनी होंगी। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक पैन को गरम कर लिया है। अब मैं पैन में तेल को डाल दूंगी और तेल को गरम हो जाने दूंगी। अब देखिए, तेल गरम हो चुका है तो मैं इसमें हमारी बनाई हुई बॉल्स डाल रही हूँ। ये देखिए, हम इसमें किस तरह बॉल डालते जा रहे हैं। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देना होगा। ये देखिए, नीचे के साइड से बहुत अच्छे से पक चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो हम इसको इस तरह उलट देंगे। हम इसको इस तरह पलट देंगे और दूसरे साइड से बहुत अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए नीचे वैसे इस साइड से कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं। इसमें बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। ये देखिए, हमारे कोफ्ते कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इनमें बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो अब हम इन्हें छान के अलग कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से पक गए हैं तो मैं इन्हें छान रही हूँ। ये देखिए, मैंने इन्हें छान के अलग कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरीके से हमें सारी बॉल्स को अच्छे से काट लेना है।
ये देखिए मैंने अब कढ़ाई में तेल डाल लिया है और तेल गर्म हो चुका है, तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ जीरा। अब मैंने इसमें डाल दिया 2 तेज पत्ता। देखिए अब मैंने प्याज का पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे लाल हो जाने तक हमें इसे चलाते रहना होगा। मैं इसे लगातार चला रही हूँ जिससे कढ़ाई में स्टिक ना हो और इसके लाल हो जाने तक मैं इसे भूनूंगी। ये देखिए यहाँ हमारी प्याज भून के एकदम रेडी है। ये इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है, भून के लाल हो गया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ मसाले। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सब्जी मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, अब थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च पाउडर। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसको भी एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं किस तरह मसालों को अच्छे से पका रही हूँ। ये देखिए यहाँ हमारे मसाले कितने अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ग्लास पानी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब मैं इसे ढक के 2 मिनट तक पका दूंगी। ये देखिए हमारी ग्रेवी बन चुकी है, तो अब इसमें बारी है बॉल्स डालने की। मैं एक एक करके इसमें हमारी बनाई हुई बॉल्स डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें सारी बॉल्स डाल दी हैं और हमारी ग्रेवी में कितना अच्छा कलर भी आ गया है। अब मैं इसे 2 मिनट तक ढक के और पकाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर हमारे कोफ्ते पक्के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी में कितना अच्छा कलर आ गया है और हमारे कोफ्ते की जो बॉल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से बन गई हैं। ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनी है और इसमें देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हमारे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और कितने लाजवाब कोफ्ते एकदम बन के तैयार हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब कोफ्ते एकदम बनके तैयार हैं। इनमें बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते की जो बॉल्स हैं वो कितनी अच्छी लग रही हैं। आप इसे जब चाहे तब बना के खा सकते हैं और ये सच में बहुत ज्यादा लाजवाब है कि इसे देखते ही खाने का जी कर जाए। इसे बनाना बहुत ही ईजी होता है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो आप इसे मेरे तरीके से जरूर बना के ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।